हरे कृष्णा दिल की बातें आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है नौ सितंबर तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या है, okay. ओके, पहला कार्ड दूसरा कार्ड ठीक है ये है ये है तीसरा कार्ड ये है चौथा कार्ड ये वन मिनट और ये है फिफ्थ कार्ड पांच कार्ड आ गए ठीक है <laughs> दूसरी ओर आकर देखते हैं ओके <laughs> ठीक <Okay. laughs> है तो कार्ड स्प्रेड हो गए बहुत ही अच्छे तरीके से <laughs> तो कुछ कार्ड चुन लेते हैं <laughs> ओके okay. <laughs> पहला कार्ड ओके ये दूसरा कार्ड ओके ये है तीसरा यह है चौथा और यह है पांचवा कार्ड पांच कार्ड्स मिल गए ठीक है तो देखते हैं कि आज की रीडिंग क्या आती है ट्रस्ट

एंड दिस इज अ जनरल रीडिंग सो ये हर एक के साथ रिजोनेट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती कुछ पार्ट हो सकते हैं डिपेंड्स ऑन दैट सो थिंक लाइक दैट सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट तो आई थिंक आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं दिल की बातें जो चल रहा टॉपिक तो वो जो सोच रहे हैं या फिर जा रहे हैं आई थिंक वो अपनी लाइफ में ट्रस्ट ढूंढ रहे हैं आई थिंक एक मुकाम आता है ज़िंदगी में जब हम कहते हैं कि मुझे अपने लाइफ में स्थैर्य चाहिए ट्रस्ट चाहिए आई थिंक ट्रस्ट इज द बॉन्ड विच मेक इट हैपन मतलब अगर ट्रस्ट नहीं है तो जिंदगी में कुछ नहीं है कई बार हम कहते हैं कि चलो दोस्ती होनी चाहिए रिश्ता होना चाहिए और सिर्फ कुछ बातों के लिए वो रिश्ता बनता है लाइक देर आर कपल जो सिर्फ फिजिकली फिजिकल लव के लिए साथ आते हैं या फिर किसी को इमोशनल पेन होता है तो इमोशंस किसी के साथ शेयर कर सके इसलिए वो बंधन होता है वो रिश्ता होता है जिस पर वो इमोशनल बंधन टूट जाता है या फिर फिजिकल कनेक्शन टूट जाता है वो रिश्ता टूट जाता है सो so, यहाँ पे जो वो देख रहे हैं वो ट्रस्ट फैक्टर देख रहे हैं तो आई थिंक वो शायद जिनके बारे में सोच रहे हैं या फिर उनके लाइफ में जो कुछ हो रहा है ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मतलब शायद ट्रस्ट की वजह से उनको कहीं पे धोखा मिला है और कहीं पे मुंह के बल गिरे हैं मतलब उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि एक ऐसा भी दिन आएगा कि किसी के कारण उनका ट्रस्ट ब्रेक होगा तो आई थिंक शायद आपका भी ट्रस्ट कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ होगा उनके साथ शायद आप नो no कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं या हर रोज़ की बातें हो सकती हैं मे बी यू आर क्यूरियस टू नो अबाउट दैट पर्सन लेकिन आप शायद वो व्यक्ति जो है वो अपने लाइफ में ट्रस्ट फैक्टर को इम्पोर्टेंस देने लगा है क्योंकि अगर ट्रस्ट नहीं है उसके लाइफ में तो आई थिंक उसने बहुत कुछ खोया है और ये जो खोने की परिसीमा है वो बढ़ती जा रही है और उसको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है मान लीजिए कि आपकी फेवरेट टीम खेल रही है और एक के बाद एक विकेट पड़ते जा रहे तो आपको कैसा फील होगा बहुत फ्रस्ट्रेटेड या फिर जब सचिन बैटिंग पे आता था और वो आउट होता था तो लोग को कितना तकलीफ होता था सिमिलरली योर फीलिंग लाइक पर्सन इज फीलिंग उसको ऐसा लग रहा है कि उसका ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है सो द पर्सन वॉन्ट्स टू रीगेन ट्रस्ट इन लाइफ तो आई थिंक एटलीस्ट फॉर ट्रस्ट ही कैन लुक बैक इन टू हिज लाइफ एंड एज अ प्रोमिनेंट फीचर एक बहुत ही पावरफुल uh, तरीके से वो आपकी तरफ देख सकते हैं अगर आप दोनों के बीच ट्रस्ट फैक्टर बहुत ही बेहतरीन था तो या बेहतरीन है तो और बेहतरीन हो सकता है तो तो आई थिंक वो आपकी तरफ एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं नोइंग दैट कि आप उन्हें वो ट्रस्ट दिला सकते हैं या फिर आप में उनको वो ट्रस्ट दिखता है ये अलग रिलेशनशिप है आप उनके साथ धोखा नहीं कर रहे हैं यू आर गिविंग हिम फुल ट्रस्ट लेकिन शायद वो इंसान है वो आपको ट्रस्ट दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है ओके थिंक लाइक दैट जैसे कि मान लीजिए आपकी नाव है और नाव में लोग आके बैठ रहे हैं सो द पर्सन दिस लवर वो आके बैठ रहा है यू नेवर नो हिज इंटेंशन आपको तो पता है कि आप उसको सुरक्षित अगले छोर पे छोड़ दोगे बट वॉट अबाउट दिस पर्सन इजी गोइंग टू बिहेव वेल विथ यू और बिट्रे योर ट्रस्ट तो अलग बात होती है नेक्स्ट जो बात है वो है रिजेक्टेड तो आई थिंक किसी ने उनको रिजेक्ट कर दिया है एंड द पर्सन इज फीलिंग वेरी बैड एंड आई थिंक शायद आपकी तरफ से भी ये हो सकता है शायद आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया है अपने लाइफ से देखिए आप जिसके बारे में सोचते हैं ओके okay. अभी आप शायद किसी एक के बारे में सोच रहे हो लेकिन कई बार दिल ब्रेक होता है और जब हार्ट ब्रेक होता है तो हमें लगता है कि कब मैं इस फीलिंग से उभरूंगा जिंदगी तो जीनी है समटाइम्स यू नीड टू फोकस ऑन समय या फिर शिफ्ट होती है एनर्जी कि फाइंडिंग सम वन इन योर लाइफ तो आई थिंक किसी के लिए यह भी हो सकता है दैट यू वॉन्ट टू रिजेक्ट द करेंट पर्सन इन योर लाइफ ये भी हो सकता है एंड राइट टाइम जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उसको किसी ने रिजेक्ट कर दिया है सो द पर्सन इज नॉट इन अ गुड शेफ बहुत ही बैड कंडीशन में है और किसको अच्छा लगेगा कि उसको रिजेक्ट कर दिया है द पर्सन इज फीलिंग वेरी बैड और बहुत ही बैड फीलिंग इनको आ रही है कि मुझे किसने रिजेक्ट कर दिया वाई यू तो ये भी हो सकता है कि शायद आपकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी लेकिन फिर भी उन्होंने वो ब्रेक कर दिया फिर होल्ड पे रख दिया और आगे चले गए And now the person is getting rejections. तो ये होता है जिंदगी में बहुत बदलाव होते हैं रिजेक्शन कई तरह की आ सकती है मेबी द पर्सन इज अप्लाइंग फॉर अ न्यू जॉब और समथिंग लाइक दैट और इवन इन रिलेशनशिप और शायद वहां से उसको कहीं ना कहीं से रिजेक्शन मिल रहा है आई थिंक ये भी एक रीजन हो सकता है कि द पर्सन इज इन्वॉल्विंग इन अ फिजिकल रिलेशनशिप और इसे करने से शायद किसी ने इनको इनकार कर दिया है या फिर वो रिलेशनशिप को निभाने के लिए इनकार कर दिया है एंड दिस पर्सन इज गेटिंग ऑफेंडेड कि हाउ कुड यू डेयर टू डिनाई मी तो ये भी रीजन हो सकता है आई तो थिंक बहुत सारी बातें हैं कि रिजेक्शन इनको क्यों हो रहा है लेकिन दिस इज इम्पैक्टिंग देम बैडली और उनका ईगो बहुत हर्ट हो रहा है पर्सन नेवर वॉन्ट्स दैट कोई नहीं चाहे कि मेरा ईगो हर्ट होगो पे अगर हर्ट हो गया ईगो हर्ट हो गया तो बहुत बुरा लगता है इंसान को अंदर से तो ये आई थिंक उनके लिए बहुत ही बड़ी बात होगी अगर उनका ईगो हर्ट होता है तो नेक्स्ट शो काट है वो है इनसल्टेड ओके आई थिंक यहां पर मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है थर्ड पर्सन दिख रहा है एंड थर्ड पार्टी में बहुत लोग होते हैं uh, उनका जॉब हो सकता है ओके okay. उनके बॉस हो सकते हैं कोई रिश्तेदार हो सकता है बट पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सन और उन्होंने उनको इंसल्ट कर दिया है उन्होंने इनका इंसल्ट कर दिया है तो ये हर एक को अप्लाई नहीं होगा लेकिन शायद उनको होगा वो नोस के वो जिनके बारे में सोच रहे हैं वो किसी और के साथ जुड़े हुए हैं या फिर पॉसिबिलिटी है तो आई थिंक ये एक रीजन हो सकता है कि द पर्सन इज फीलिंग इंसल्टेड कोई इनका इंसल्ट कर रहा है वो भी बार बार कई बार क्या होता है कि हम किसी के बारे में बहुत सोचते हैं और शायद किसी के रूप के बारे में ज्यादा सोचते हैं पागल हो जाते हैं एंड दिस पर्सन ट्राइंग टू अटेन दैट अदर पर्सन अटेंशन डेफिनेटली वो या तो पैसों के लिए होगा या तो उसके लुक्स के लिए होगा या तो उसको उससे पैसे चाहिए या फिर फिजिकल अटेंशन चाहिए लेकिन वो इंसान शायद उसने भी इनका यूज कर दिया है कि यूज किया एंड नाउ द पर्सन इज थ्रोइंग देम आउट बिकॉज आई थिंक द अदर पर्सन इज ऑल्सो इन रिलेशनशिप और वो व्यक्ति जो इनके रिलेशनशिप में था वो शायद वापस आ गए या फिर दे हैव फाउंड समवन एल्स इन देयर लाइफ तो आई थिंक दिस इज हैपनिंग विद देम इंसल्टेड आई स्पीक लाइक दैट लेकिन थोड़ा कुछ ऐसा सो रहा है ऐसा कि दिस पर्सन इज गेटिंग इंसल्टेड बैडली और ये इनके कर्मों का इफेक्ट है अगर ये आपसे जुड़े हुए रहते तो इनके कर्म बहुत अच्छे होते और इनके कर्म अगर अच्छे होते तो कर्मों का हिसाब भी अच्छा होता कर्मों का फल भी सही मिलता लेकिन जिस तरह का रीजन uh, ये प्रेजेंट कर रहे हैं फिर जो उनके साथ हो रहा है समथिंग इज ऑफेंसिव और वो इनको ट्रबल कर रहा है नेक्स्ट जो कार्ड है वो है चीटेड तो आई थिंक वो जिस रेस्टरशिप में करंट है अगर है किस रिलेशनशिप में उनको चीटेड महसूस हो रहा है द पर्सन इज़ फीलिंग वेरी बैड उनको ऐसा लग रहा है कि उनको उनके साथ धोखा हुआ है तो आई थिंक ये किसी को दिल दे बैठे हैं और जिसको दिल दे बैठे है वो इंसान इनके साथ चीट कर रहा है तो शायद इन्होंने उनके टेक्स्ट देखे हैं फ़ोन देखे हैं या फिर पर्सनली देखा है कि वो किसी के साथ है घूम रहे हैं या फिर हैव सीन देम किसंगी जाता हूँ और इससे इनका दिल टूट गया है सो so, देखिए ये व्यू कैसा हो रहा है आई एम टेलिंग यू दिल की बातें आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है सो दिस इज फ्रॉम योर परस्पेक्टिव कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं सो द पर्सन मे और मे नॉट बी इन योर कॉन्टैक्ट एंड दिस इज डिसनल रीडिंग तो शायद जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो व्यक्ति शायद बहुत ही हर्ट फील कर रहा है बहुत ही चीटेड फील कर रहा है और उसको लग रहा है कि मानो दुनिया उसके लिए थमसी गई क्योंकि तो जिसके ऊपर उसने इतना ट्रस्ट किया वो ट्रस्ट बिट्रे हो गया फिर रिजेक्टेड फील हो गए इंसल्ट किया उसने उनका और अब चीटेड फील कर रहे हैं तो बचा क्या है उनके लाइफ रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा है कर सकते हैं कि क्यों मैं इस रिलेशनशिप में या फिर वाई इज दिस हैपनिंग इन लाइफ आई थिंक कुछ बातें होती हैं जो हमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं दैट शुड कम बैक इन लाइफ एंड चाहे जो हो अच्छा हो बुरा हो हमें उसे सफर करना ही पड़ता है एंड द फाइनल कार्ड इज एक्साइटमेंट ओके तो ये कार्ड दो चीजें दर्शाता है द पर्सन इज गेटिंग एक्साइटेड तो इतने सारे चीजों के बाद एक्साइटमेंट कैसे आ सकती है द पर्सन इज एक्चुअली एक्साइटेड नोइंग दैट फाइनली इट्स अ न्यू स्टार्ट जो हो गया वो हो गया ऐसा बोल के वो डायरेक्टली इससे उभर रहे थे थिंक लुक एट द पावर वो कितने जल्दी उभर रहे हैं इसका मतलब वो उनका सच्चा प्यार नहीं था इट वॉज मिस्टेक एंड शायद वो लस्ट में आ गए थे या सिर्फ फिजिकल अटेंशन के लिए किसी से कनेक्टेड थे तो जल्दी उभर रहे हैं तो दो चीज़ें हो सकती हैं तो वो आपके पास रिटर्न आ सकते हैं या तो किसी नए प्यार की खोज में पड़ सकते हैं क्योंकि उनके पास अभी खोने के लिए कुछ नहीं है जो था उन्होंने खो दिया एंड नाउ वॉट द पर्सन थिंक कि चलो अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है आई एम रेडी टू स्टार्ट समथिंग न्यू तो एक्साइटमेंट में आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं आपके पास वापस आ सकते हैं ओके एंड आई थिंक जो ऑलरेडी लोग मैरिड हैं तो शायद उनको ये अप्लाई uh, होगा या नहीं होगा लेकिन आई थिंक इस ये कार्ड अप्लाई हो सकता है द पर्सन इज अबाउट टू टेल यू समेरी गुड शायद उनका कहीं ट्रांसफर होने वाला था वो रुक गया है या फिर कोई फाइनेंशियल uh, हेल्प उनको मिलने वाली है या समथिंग गुड इज हैपनिंग इन देयर लाइफ और वो अपने वाइफ से यानी कि आपसे या अपने हस्बैंड से यानी कि आपसे शेयर करना चाहते हैं समथिंग इज वेरी गुड हैपनिंग इन देयर लाइफ बहुत अच्छी बातें होने वाली हैं और हो रही है तो वो आपसे बात कर सकते हैं अब देखते हैं नेक्स्ट वो है रियलाइजेशन थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन लेकिन सोर्स है डिरेक्ट कट तो ये सब सोर्स है I think उनको रियलाइजेशन हो रहा है दे आर अंडरस्टैंडिंग समिंग अबाउट देयर लाइफ मतलब क्या सच है और क्या झूठ है इसका विश्लेषण कर रहे हैं सो आई थिंक अगेन देअ कम्स सिचुएशन की कोई अगर उनके जिंदगी में है आपके अलावा तो क्या है जिंदगी का सच ये वो जानने की कोशिश कर रहे हैं जिस रिलेशनशिप में है क्या वो सही है या गलत है उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है क्या वो अपने साथ भी सही कर रहे हैं क्या वो आपके साथ सही कर रहे हैं सो द पर्सन इज रियलाइजेशन इफ ही कैन चीट विथ यू पर्सन कैन चीट विध हिम ये भी हो सकता है एंड आई थिंक द पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउटी परसेंट लोग जो है वो आपके बारे में सोचेंगे कि हाँ आप क्या सोचते होंगे या फिर आपका कितना प्यार है इनके ऊपर और उन्हें क्या करना चाहिए फिर चाहे उनके लाइफ में कोई और हो या ना हो शायद वो अपने जॉब को प्रेफरेंस दे रहे हैं या अपनी फैमिली को प्रेफरेंस दे रहे हैं और आपको साइड में रखा है लेकिन अभी आई थिंक ट्वेंटी परसेंट तो आपके बारे में सोच रहे हैं कि व्हाट अबाउट यू रियलाइज हो रहा है उनको क्योंकि आप भी प्यार कर रहे हो और आप क्या कह रहे बहुत बढ़िया है एंड एंड इट इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट ऐसा नहीं कि ये प्यार नहीं है धोखा है छल ऐसा नहीं ये सच्चा प्यार है सो वॉट टू डू विथ यू या आपके प्यार के साथ क्या किया जाए ये वो सोच रहे हैं अगेन आ गया कट okay. तो इस कार्ड से दो मीनिंग निकलते हैं या तो वो आपको फंसा रहे हैं या फसाना चाहते हैं दो चीजें हो सकती है दिस इज जनरल रीडिंग तो हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होगी लेकिन आई थिंक सिक्सटी परसेंट जो मतलब निकलता है वो ये है कि या तो वो आपको फंसा रहे हैं या फंसाना चाहते हैं समटाइम्स यू नो एक थाट रहता है दिमाग में कि द पर्सन ट्रस्ट मी और लॉट तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ आई कैन इवन बी इन रिलेशनशिप तो थिंक ये थाट भी उनके माइंड में आ सकता है सो द पर्सन इज ऑलरेडी डिसीविंग यू और ट्राइंग टू डिसीव यू और आई थिंक अगर आपका सिक्स सेंस बहुत ही अच्छा है और अगर आपके साथ एंजल्स है स्पिरिट गाइड्स हैं आपके पूर्वज हैं जिसको आप प्रे करते हो उसका आशीर्वाद है या तो सपनों से या तो आपके और से जब वो आपसे मिलेंगे या कॉल करेंगे या फिर टेलीपैथिक जो कनेक्शन हो जाएगा तो आपको पता चलेगा समथिंग इज फिशी वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं कुछ ना कुछ और इस ये आप खुद समझेंगे आपको एक वाइब मिलेंगी और अगर वो आपसे कुछ छुपा नहीं रहे हैं बहुत ही अच्छा चल रहा है तो वैसे वाइब मिलेगी कि नथिंग इज बैड एवरीथिंग इज राइट और मैं उनके साथ बहुत हैप्पी आई डोंट नीड टू वॉच दिस काइंड ऑफ वीडियो तो ये वाइब आपको मिलेगी आपका जो ओरा है वो आपको बता देगा आपकी जो सिक्स सेंस है वो आपको बता देगी नेक्स्ट जो कार्ड है वो है हार्मनी रेयरली नेगेटिव बहुत ही अच्छा कार्ड है तो थिंक फाइनली वो अपने टर्म्स पे आ रहे हैं और ये टर्म्स बहुत बढ़िया है इन द सेंस कि उन्होंने रिलेशनशिप क्यों शुरू की थी क्यों तो डेफिनेटली हैज़ बी ओके कोई किसी को फसाने के लिए रिलेशनशिप तो शुरू नहीं करता प्यार के लिए शुरू करता है तो आई थिंक ये जो शुरुआत हुई है तो वो अभी हार्मनी चाहते हैं द पर्सन वॉन्ट्स टू स्टॉप एवरीथिंग एंड हैव हार्मनी इन हिज लाइफ तो शायद आज के दिन उनका जो थॉट होगा वो ये होगा रिलेशनशिप में हार्मनी लाते हैं उनके पहले ओरकल में हमने देखा कि बहुत फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं सेकंड ओरैकल में उनके लाइफ में थॉट्स आ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं तो थर्ड कार्ड जो आ गया है वो है हार्मनी तो फाइनली वो अपने रिलेशनशिप में अपने अपने रिश्ते में सुधारना चाहते हैं और हार्मनी चाहते हैं किसी को भी तकलीफ ना हो उनको भी ना हो आपको भी ना हो दोनों साथ में रहे सुखी रहे फिर चाहे आप बात कर रहे हो डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या नो no कॉन्टैक्ट ही क्यों ना हो लेकिन किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और पूरा हारमनी होनी चाहिए हारमनी मतलब अगर आप तकलीफ में है तो वो भी तकलीफ में अगर आप खुश है तो वो भी सब खुश है परफेक्ट कंट्रोल ऐसा नहीं कि कुछ कम या ज्यादा लेकिन एक दूसरे के कारण किसी तीसरे के कारण नहीं एक दूसरे के कारण यू ट्रस्ट हिम ही ट्रस्ट यू यू बिलीव हिम ही बिलीव यू यू लव हिम ही लव सो वर्सा नेक्स्ट जो कार्ड है वो है बैलेंस so uh, वेटिंग नंबर टू कार्ड आई थिंक फाइनली जैसे वो चाहते हैं कि शिफ्ट बैलेंस आ जाए तो आई थिंक ये हो सकता है कि द पर्सन इज लुकिंग एट फिजिकल लव एंड शायद कुछ बातें हैं आप दोनों के दरमियान शायद आप एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं या कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं और ये उसके लिए बैरियर बन चुका है लेकिन द पर्सन वॉन्ट्स टू मीट यू और शायद उनकी जो भी अपेक्षाएं आपसे आपकी शादी हुई है या फिर यू आर मैरिड यू आर अन द पर्सन इज़ हैविंग सम काइंड ऑफ फिजिकल कनेक्शन विथ यू और वो उसे पाना चाहता है और जो भी उसकी दिल ख्वाहिश है वो पूरी करना चाहता है द पर्सन डजन वॉन्ट टू हैव एनी अदर पर्सन इन हिज लाइफ और इन हर लाइफ वट डू दे वॉन्ट इज़ टू कनेक्ट विथ यू और जो भी उनके दिल में है जिस प्यार की अभिलाषा वो करते हैं फिर चाहे वो सच्चा प्यार है फिजिकल रिलेशनशिप है इमोशनल रिलेशनशिप है तो वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं अब ये आपके ऊपर होगा कि आप किस तरह से उसको जवाब देते हैं पर्सन कैनॉट आपसे वो बात ही नहीं करेंगे अपने दिल तक ही ये बातें सीमित रखेंगे कुछ हद तक आपके आपसे ओपन अप होंगे या फिर पूरी दिल में जो बातें हैं वो आपसे बया कर देंगे सो इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन दिस इज नॉट समथिंग रॉन्ग क्योंकि क्या है कि मान लीजिए आपको कहीं से पता चला कि ही वॉज हैविंग इंटेंस थॉट अबाउट फिजिकल लव एंड यू आर नॉट अकॉम्पलिशिंग इट और यू आर नॉट सपोर्टिंग हिम दैट्स वाई ही वेंट टू समन एल्स ये सुन के आपको बहुत बुरा लगेगा बहुत झटका लगेगा इंस्टेड ऑफ दैट शायद ये पर्सन ऐसा कर सकता है कि जो भी इनके दिल में थॉट्स हैं वो आपसे क्लियरली एक्सप्रेस कर सकता है फिर उसके बाद आप उन्हें रिजेक्ट करो रिलेशनशिप यहाँ पे खत्म करो या फिर उन्हें समझाओ ये तो आपके ऊपर है एंड द फिफ्थ कार्ड इज स्टेबिलिटी आई थिंक आपके लाइफ में ये कार्ड मोस्टली आपके बारे में है आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे सिचुएशन विल बी इन योर कंट्रोल तो आपको डिसाइड करना है जैसे होता है ना मैनिपुलेशन करना पपेट्स का खेल होता है ऐसे ऐसे फिंगर्स को स्ट्रेंथ बंधी रहती है और हम इसे हिलाते हैं और पपेट हिलता है तो उसी तरीके से क्या होता है कि आपके हाथ में होगा पूरा कंट्रोल कि क्या आप अपने लवर की या पार्टनर की कोई भी ख्वाहिश हो शायद वो आपसे अपना दिल का दर्द बयां करना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं जो शायद आपको सुनना सही लगेगा नहीं लगेगा क्या आप उनकी ख्वाहिश पूरी करना चाहेंगे यह आपके हाथ में होगा और शायद आपको ये फीलिंग भी आ सकती है फीलिंग स्टक कि मैं क्या करूँ ये भी हो सकता है कि आपको लगा कि मुझे किसी भी हालत में रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं है आई डोंट टू लीव दिस रिलेशनशिप लेकिन शायद उनकी डिमांड भी अलग हो सकती हैं और वो आपसे बर्दाश्त भी नहीं हो सकती शायद वो आपसे कुछ इमोशनल बातें कर दें अबाउट देयर पास्ट एक्स जो शायद आपको सुनना नहीं है कि मैं क्यों सुनूँ अबाउट योर एक्स आपका किसके साथ क्या रिश्ता था क्या है या फिर आपको कोई दिखा फिर आपके अंदर वो फिर से फीलिंग आई वाई शुड आई लिसन टू दिस ये भी हो सकता है तो समवेयर स्टेबिलिटी भी आ सकती है कि आप कह सकते हो कि ओके आई एम विथ यू या आप कह सकते हैं कि आई नीड टाइम टू थिंक अबाउट इट तो इथा रीडिंग आपके लिए आई होप इट कुड रिजन विध यू थैंक यू टेक केयर गॉड बेस्ट